हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरएस के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कौन सी बुक्स जो हैं बेस्ट हैं आरएस प्री की परीक्षा के लिए। सबसे पहली बात है कि आरएस के फॉर्म्स जो हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए मेंटली कि आपको आरएस की एग्ज़ाम देनी है, आपको आरएस का एग्ज़ाम फाइट करना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे इसका सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से और उसकी कॉपी निकलवा लीजिए, ताकि आपको सिलेबस जो है वो पता रहे कि क्या सिलेबस है। उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा अब जब सिलेबस जो है लेके और उसे चिपका लें अपने रूम में। तो अब बुक्स देखते हैं हम इसके लिए। तो भारत का इतिहास, इसके लिए आधुनिक भारत की जो बुक है वो ग्रोवर और चंद्रा की बुक है, और एनसीईआरटी की जो 12th की हैं बुक्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट सारे आप ले लीजिए, और क्रॉनिकल का जो है इतिहास का विशेषांक वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बुक्स मत लीजिए, इनमें से दो बुक्स बहुत होंगी आपके आपके लिए। एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर लें। राजस्थान का इतिहास, इसके लिए जो है राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शारदा, राजस्थान का इतिहास राजस्थान साहित्य अकादमी प्रकाशन, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति लक्ष्य प्रकाशन, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान प्रोफेसर कृष्णा गोपाल शर्मा, और राजस्थान की जो है स्कूल आरबीएससी की बुक्स है 9th से 12th तक की इतिहास की। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान जो है वो इंग्लिश मीडियम की बुक है। भारत का भूगोल जो है उसमें विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल के लिए है सविंदर सिंह। भारत का भूगोल बुक है डीआर खुल्लर की, और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी की 11th और 12th की सारी बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल पढ़ने के लिए। वैसे आपको आरएस के लिए नोट्स जो है हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। राजस्थान का भूगोल, उसके लिए राजकुमार शर्मा। समग्र राजस्थान डॉक्टर एल आर भल्ला, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है ये बुक एल आर भल्ला की, और राजस्थान की जो है आरबीएससी की 9th से 12th तक की भूगोल की बुक्स जो हैं वो इसके लिए काम आएंगी बहुत, राजस्थान का भूगोल के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था दत्त और सुंदरम, एनसीईआरटी की बुक्स मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये ज़रूर पढ़ें, और रमेश सिंह की बुक है इंडियन इकोनॉमी के लिए वो भी आप लोग ले सकते हैं। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मी नारायण नाथूराम का की बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, और राजस्थान की जो स्कूल बोर्ड की बुक्स है 9th से 12th तक की अर्थशास्त्र की बुक्स ये आप लोग पढ़ सकते हैं इनको भी। इसके साथ साथ अपना टाइम टेबल ज़रूर बना लें। पॉलिटी और राजस्थान प्रशासन प्रणाली के लिए जो है इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत, ये बहुत है पॉलिटी पढ़ने के लिए, और राजस्थान की स्कीम्स जो हैं वो राजस्थान सूजस मैगजीन से आप लोग पढ़ सकते हैं। और सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है एनसीईआरटी की 6th से लेकर 10th तक की बुक्स, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर स्पेक्ट्रम की जो है एक स्पेशल एडिशन है वो आप ले सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम एडिशन। आप लोग टाइम टेबल इस तरह बनाइए कि इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि इतने इतने टाइम तक मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको अगर आपने कभी एक दिन मिस भी कर दिया तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप हफ्ते का या दिनों का रखेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन आप पढ़ सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। तो अब जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए है आर एस अग्रवाल की बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, ये बेस्ट बुक है इसके लिए। अब करंट अफेयर्स जो है आप उसके लिए डेली जो न्यूज़पेपर हैं वो ज़रूर पढ़ें, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजस्थान सूजस जो मैगजीन है वो पढ़िए,
मूमल है मैगजीन, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। राजस्थान पत्रिका और दैनिक अखबार जो है आजकल डिजिटली भी अवेलेबल हैं, तो ई पेपर्स आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए आरएस के एग्ज़ाम के लिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।